मैं आपको बताता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज मैजिकल, इट इज अमेजिंग, इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कैन डू फॉर वेट लॉस। Alright, what's up you guys? You are watching Zillocity and आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट भारती सिंह's incredible weight loss transformation. How she transformed herself 91 kgs से 76 kgs तक, मतलब 15 किलो का जो वेट लॉस उन्होंने किया है, कैसे किया है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो हम एक चीज़ करते, let's go through this article in which भारती सिंह has shared the secret to epic weight loss, okay? And comedian Bharti Singh lost 15 kgs during lockdown. She recently shared the secret to her epic weight loss. Okay, comedian Bharti Singh never shied away from making jokes about her weight and has gone through a transformation. She has lost oodles of weight thanks to her lifestyle changes, blah blah blah. She shared that she has not started doing any yoga or gym but just controlled her diet. And Bharti Singh's secret to weight loss is intermittent fasting. Wow. Speaking about her weight loss, Bharti Singh said, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कोई योगा कोई जिम नहीं गई, बस मैं अपने खाने पीने पे कंट्रोल किया और टाइम से खाया. वो आजकल चली है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो की है मैंने. 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती और नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद खाती हूँ. अलग अलग चैनल वाले फोन करते हैं कि आप बताइए ना पतले कैसे हुई. मैंने बोला एक ने लिख दिया ना उसी से ले लो, सब सबको यही बोलूंगी. मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कोई योगा कोई जिम नहीं गई, बस मैंने अपने खाने पे कंट्रोल किया और टाइम से खाया. वो आजकल चली ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो की है मैंने. 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती और नेक्स्ट डे 12 बजे खाती हूँ. और 12 बजे आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा जो मैं पराठे और बटर मटर की फोटो डालती हूँ, वो सच होता है, वही खाती हूँ. क्योंकि बेसिकली पंजाब अमृतसर से हूँ तो मैं वो किनुआ सैलड या ब्राउन ब्रेड वाली बिल्कुल भी नहीं. अपना तो होता ब्रेड हो तो मक्खन होना ही चाहिए, जैसे बेड पे चादर बिछाते हैं ना वैसे मक्खन की चादर होनी चाहिए. तो मैं वैसे ही खाती हूँ, 7 बजे तक बहुत खाती हूँ लेकिन उसके बाद एकदम बंद. ओके, पहली चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो अपने खाने पे रिस्ट्रिक्शन उन्होंने नहीं लगाया, ठीक है. शी वॉज ईटिंग वॉट शी लाइक, मतलब पराठा बटर वटर जो खाती है, अंडा खाती है, मज़े से खा रही थी. और जैसे पंजाबी है तो ऑब्वियसली पंजाबी लोग तो दे कैन ऑलवेज टेस्टिफाई गेट दैट मक्खन के बिना खाना नहीं चलेगा. सेकंड चीज़ उन्होंने ये हाईलाइट की कि मैं कर रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी. शाम को 7 बजे तक, 12 बजे से लेके 7 बजे तक मैं खाती थी. 7 बजे शाम के बाद कुछ नहीं खाती थी और अगले दिन 12 बजे दोपहर तक कुछ नहीं खाती थी. 7 बजे तक जम के खाया, उसके बाद अगले दिन 12 बजे तक कुछ नहीं खाया. इंटरमिटेंट फास्टिंग के वजह से भारती सिंह ने वेट लॉस अचीव किया. ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का सीक्रेट है मैं आपको बताता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज मैजिकल, इट इज अमेजिंग, इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कैन डू फॉर वेट लॉस. मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या. इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम विंडो डिसाइड करते हो जिसमें आप तभी खाना खाओगे, 7 या 8 घंटे का टाइम विंडो, और बाकी के 15-16 घंटे आप खाना नहीं खाओगे. अब इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, कुछ लोग 20 घंटे का फास्टिंग करके 4 घंटे में खाते हैं, कुछ लोग 14 घंटे फास्टिंग करके 10 घंटे में खाते हैं. डिपेंड्स, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग, ठीक है, टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग. क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग मैजिकल है, मतलब आप जब 8 बजे से लेके अगले दिन 12 बजे तक कुछ नहीं खाते हो, मतलब 16 घंटे आप जब कुछ नहीं खाते हो, आपकी बॉडी मैजिकली पूरे फैट चर्बी पिघलने लग जाती है. आपकी बॉडी में से पूरा चर्बी पिघल जाएगा, कट जाएगा, जल जाएगा, खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. अभी मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे जो ये ऐसा जो चलता है ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसकी वजह से वेट लॉस हुआ है, दैट इज रॉन्ग. इंटरमिटेंट फास्टिंग मैजिकल कुछ नहीं है, ठीक है. अब जिसको स्टार्टिंग में लगा था कि मैं पता नहीं सिलोसिटी बोल रहा है मैजिकल इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो माफी चाहता हूँ, बट अगर आप पहले देख चुके हो सो यू शुड नो दैट आई वाज बीइंग सार्कास्टिक. ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नथिंग बट यू रेस्ट्रिक्टिंग योर कैलोरीज. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ. चलिए मान लेते कि आप दिन भर में 5 मील करते हो, ठीक है, सुबह से शाम. 3 बड़े मील होंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जिसको हम पकड़ लेते हैं तकरीबन 700-700 कैलोरी ईच की, ठीक है, जो रेगुलरली आराम से निकल जाती है. और ये 700 कैलोरी मैं एस्टिमेट एवरेज कह रहा हूँ, कुछ लोग कहीं ज़्यादा कैलोरीज भी खाते हैं इन 3 मील में, ठीक है, बट फिलहाल आई एम बीइंग लीनियंट एंड कंसिडरिंग 3 मील्स 2100 कैलोरीज, बिग मील्स, ठीक है, 700 700 700. 2 स्नैक जो छोटे होते हैं, चाय, बिस्किट, जो भी होता है, और फ्रूट्स या नट्स या मखाने जो भी खाते हैं घर में, जो भी चटपट चलता रहता है दिन भर में, 2 स्नैक तो होते हैं ये सबके घर में. सो एवरेज मैं 250 कैलोरीज पर स्नैक पकड़ के चलता हूँ, वो हो गए 500 कैलोरी. अब टोटल अगर आप देखते हो यहाँ पे
तो 700 700 700 हो गया 2100 2100 और ऊपर 500 कैलोरीज दो स्नैक के हो गया 2600 कैलोरी 2600 कैलोरीज 2800 कैलोरीज इज माय मेंटेनेंस. मतलब मैं जो एक्टिविटी करता हूँ, मैं रेगुलर 5 छः दिन हफ्ते में जिम जाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ एवरीडे, तब जाके मेरा मेंटेनेंस है 2800 कैलोरीज. अब आपको लगता है कि सबका मेंटेनेंस 2800 कैलोरीज होगा? बिल्कुल नहीं. मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब बेसिकली होता है कि आप दिन भर में कितने कैलोरीज बर्न करते हो, राइट? और बेसिकली मैं देखता हूँ एवरेज जो मैं मेंटेनेंस देखता हूँ लोगों का, वो होता है समवेयर बिटवीन 1800 to 2300. कई कई लोगों का ज़्यादा होता है, कई लोगों का कम भी हो सकता है. मैं एवरेज रेंज बता रहा हूँ. फॉर फीमेल्स एवरेज वुड बी 1800 to 1900 विच आई यूजुअली सी इन माई कंसल्टेशंस, और 2300 वुड बी फॉर मेल्स, क्योंकि मेल्स नेचुरली हैव हायर मसल मास देन फीमेल्स. सपोज ये जो एग्जाम्पल से चलते हैं हम, जो 2500-2600 कैलोरी का एग्जाम्पल हमने लिया है, अगर आप 5 में से 2 मील निकाल दो, एक हो गया ब्रेकफास्ट और एक हो गया सुबह वाला स्नैक, मतलब 700 और 250, तकरीबन 1000 कैलोरी आपने निकाल दी. 700 के दो मील और 250 कैलोरी का एक स्नैक, बचे कितने अपने पास? 1600 कैलोरी, राइट? अब ये जो है, दिस इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन. अब आप मेजर दिन के दो मील निकाल रहे हो, ब्रेकफास्ट जो यूजुअली हम सुबह में करते हैं वो आप डिले करके सिर्फ 7 घंटे में जब खाना खाओगे, तो ऑब्वियसली आप कम मील्स कर पाओगे, मील फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. जैसे अगर आप सुबह से स्टार्ट करते हो खाना 9 बजे से और रात के 9 बजे तक खाओगे 12 घंटे में, तो आपके पास टाइम होगा ज़्यादा टू ईट 4-5 मील्स. बट अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो बिटवीन 12 and 7 PM ओनली, तो ऑब्वियसली आपके पास बचेंगे सिर्फ दो मील, बड़े मील ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और बीच में शायद आएगा आपके पास एक स्नैक. इसमें आपके पास जो कैलोरीज आप रादर खाने वाले थे जो 5 मील में खाते, वो ऑब्वियसली थोड़ी सी कम हो जाएगी. इसको हम कहते हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन. जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बेसिकली इट इज़ अ टूल फॉर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन. मैंने जो वीडियो बनाया इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, एंड दिस वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. दैट वीडियो विल हेल्प यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको क्या बेटर होगा, अगर आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क करेगा या नहीं करेगा. वो आपको इस वीडियो में, मतलब जो वीडियो मैंने लिंक डाली है, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा. भारती सिंह के टॉपिक पे वापस आते हैं, उन्होंने 15 किलो लूज़ किया, हैट्स ऑफ, दिस इज़ वेरी ब्रिलियंट. लेकिन उन्होंने उनके उसमें ये भी बताया कि मैं ना जिम गई, ना योगा किया, ना कुछ नहीं किया, सिर्फ डाइट कंट्रोल किया और टाइम कंट्रोल किया बेसिकली, राइट? ऑल्दो इट इज़ गुड टू सी हर कि उन्होंने वेट लॉस अचीव किया है और कुछ ना कुछ उन्होंने अपने खुद के हेल्थ के लिए कुछ एफर्ट्स किए हैं, बट आई वुड रियली लाइक टू सी पीपल वर्किंग आउट. व्हाई आर यू नॉट वर्किंग आउट? स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट सम कार्डियो, स्टार्ट सम होम वर्कआउट्स विच हैव लो इम्पैक्ट, लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स, कुछ तो स्टार्ट करो. मतलब इट्स नॉट अ प्राउड थिंग टू से कि मैं योगा नहीं की, जिम नहीं गई, कुछ नहीं किया. ये जो प्राउडली लोग कहते हैं ना, मैं तो फिट, मतलब हम देखते हैं घर में होते ही लोग ऐसे जो कहते हैं कि अरे मैं जिम विम कुछ नहीं जाता, मैं तो ऐसे ही फिट रहता हूँ, मैं डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं करता, मैं ऐसे ही फिट रहता हूँ, मैं तो अंडे वंडे कुछ नहीं खाता, मैं ऐसे ही फिट रहता हूँ. ये मेंटालिटी जो है वो आप ये चेंज करना ज़रूरी है. फिट आप जो बाहर से दिखते हो और अंदर से होते हो, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है? कि अगर आपका वेट लॉस हो रहा है जिम योगा कार्डियो किए बिना अगर हो रहा है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि वाओ मैं तो ऐसे ही करूँगी या मैं ऐसे ही करूँगा. दैट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर योर हेल्थ एंड फिटनेस. भारती सिंह के लिए और आप सभी लोगों के लिए ये मेरे तरफ से एक स्पेशल एंड वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सम फॉर्म ऑफ वर्कआउट. आई अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी वन इज़ एज एक्टिव एज मी, एंड आई अंडरस्टैंड कि सब दिन हफ्ते में 5-6 दिन जिम नहीं जा सकते हैं, कि कोई कोई लोग बिजी होते हैं, कोई लोग इतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं, बट प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग आउट एट होम एट लीस्ट फॉर 20-30 मिनट्स इन अ डे. स्टार्ट डूइंग सम वॉकिंग एट लीस्ट फॉर 20-30 मिनट्स इन अ डे. हफ्ते में 3-4 दिन तो आप निकाल सकते हो वर्कआउट के लिए. दिन में आधा घंटा अगर आप अपने हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकते हो, दैट इज़ जस्ट वेरी मेस्ड अप. आई डू नॉट नो हाउ वॉट टू से टू यू. अगर आप दिन में 20 से 30 मिनट अगर अपने हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकते हो, तो मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता. मतलब कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता जब आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते. इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना ज़रूरी नहीं है. ऑल्दो आप ट्राई कर सकते हो, बट प्लीज़ गेट इन टच विथ योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल और योर डॉक्टर फर्स्ट, या फिर आपका पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट जो भी है, गेट इन टच विद देम फर्स्ट. क्योंकि सब के सब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे अच्छा फील नहीं करते. डू नॉट थिंक ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग एज अ मैजिकल थिंग, नंबर 1. नंबर 2,
डू नॉट कट आउट योर फेवरेट फूड्स. मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको चावल नहीं खाना है वेट लॉस के लिए, या फिर आपको घी नहीं खाना है वेट लॉस के लिए, या तो फिर अंडा योक नहीं खाना है वेट लॉस के लिए. ये सब बकवास है. यू कैन ईट एवरीथिंग एंड चूज न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, फ्रूट्स, वेजीज, दाल, अंडे, पनीर, चीज़, घी सब खा सकते हो इफ़ यू मेक श्योर कि आपके कैलोरीज आर कंट्रोल्ड. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन हेल्थ. लेट्स नॉट हाइप इट दैट अरे मैं तो वर्कआउट के बिना भी इतना फिट हूँ, या तो मैं तो वर्कआउट या योगा नहीं करती हूँ या कार्डियो नहीं करती हूँ फिर भी इतनी फिट हूँ. लेट्स नॉट एनकरेज ऑल दिस. दिस इज नॉट हेल्दी एडवाइस. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू एक्चुअली लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड यू नो वॉट टू डू. Hit the like button, share this video with your friends, family members, and do not forget to subscribe to my channel if you have not already. And hit the bell icon also if you want to get notifications whenever I post new videos. And this is my Instagram, you can check it out for my personal coachings, video consultations, or just to see what I eat in a day, what I do in my life. You get all the updates here on my IG. Keep staying healthy, keep eating your goddamn protein, keep doing your workouts and cardio, and stay tuned. I'll see you in the next video.